Hi guys, my name is Josh Gandhi and welcome back to my new video. Today's video is slightly different from my another video as I am going to show you how to make a cilantro rice. So let's check it out. किचन में अब हम मिलते हैं शेफ ब्रिजल पटेल से। हाय गाइस, माय नेम इज ब्रिजल पटेल एंड प्रोफेशनली आई एम अ शेफ और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ मैक्सिकन सिलेंडर राइस, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ से प्रोफेशन से और जो मैंने सीखा है। तो मैंने मैक्सिकन स्टाइल तो आपने देखा ही होगा सिलेंडर राइस, बट मैं थोड़ा इनोवेटिव स्टाइल में अपने अंदाज में थोड़ा आपको बना के दिखाता हूँ। तो लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, तो हम पहले राइस बना रहे हैं, तो पहले हमें राइस प्रिपेयर करके रखना है और ये है अपना बासमती राइस जो आपकी सिटी में अवेलेबल है, आपके सराउंडिंग में जो भी अवेलेबल है वो राइस आप यूज़ कर सकते हो। ये बॉईल करके रखा हुआ है मैंने पहले से क्योंकि हम राइस बना रहे हैं। और उसके बाद कैप्सिकम, अगर आपको पता है जैसे बारीक चॉप करना पड़ता है, अगर बारीक नहीं कर सकते तो थोड़ा बड़ा डाइस भी रख सकते हो। कैप्सिकम चॉप एंड आप अनियन प्याज चॉप करके रखना है, टमेटो डाइस, कैप्सिकम डाइस। और अगर आपको जैसे दूसरे ब्रांड पेपर जैसे रेड येलो भी यूज़ कर सकते हो, चॉइस के ऊपर आती है। डिजाइन कैरेट जो भी हल्दी है, अगर जो कोई हल्दी है वो यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शनल है, अगर पनीर आप यूज़ करना चाहें, जिसको पनीर पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, बाकी चॉइस है। और ये सिलेंट्रो जो मेन चीज़ है, इसको हम वैसे मेक्सिको में सिलेंट्रो बोलते हैं वहाँ पे जो स्पेशल होता है, बट इंडिया में अपना सिलेंट्रो नहीं बोलते, इधर हम बोलते हैं कोरिएंडर और मेक्सिको में इसको सिलेंट्रो बोलते हैं। एंड तो ये फाइनल पेस्ट है जिससे हमारा राइस में टेस्ट आएगा। सो ये राइस में हमने यूज़ किया है सिलेंट्रो मतलब कोरिएंडर, और कोरिएंडर में जो रूट जो होती है ना, अपना जो धनिया होता है, धनिया को पूरा यूज़ किया हुआ होता है, खाली हमने रूट काट दिया है, बाकी उसका जो डेंटल जो रहता है उसमें वो भी हमने यूज़ किया है, उसको पूरा चॉप किया है, मतलब चॉप नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा सा चॉप करो। उसमें हमने चिली ऐड की है, लाइक एक पूरा बंच में हमने अराउंड 200 ग्राम चिली यूज़ किया, ग्रीन चिली और 50 ग्राम ऑफ गार्लिक, 50 ग्राम गार्लिक लेना है और उसको पूरा वॉश करके ब्लेंड किया है। अगर आप हेल्दी हो तो आप इसमें सैलड ऑयल यूज़ कर सकते हो, और अगर हेल्दी नहीं हो तो घर में हो तो रेगुलर ऑयल भी यूज़ करते हो, तो वेजिटेबल ऑयल, और उसको फिर ब्लेंड करके फिर ये पेस्ट बनता है। चिली, ग्रीन चिली, गार्लिक और धनिया, और धनिया का रूट भी यूज़ करना है, जो उसके ऊपर का पार्ट है जो हम खा सकते हैं, जो नहीं खा सकते वो मत यूज़ करो, बट एटलीस्ट जो हम खा सकते हैं उसका ब्लेंड किया हुआ है और उसी का मेन टेस्ट आता है, तो वो यूज़ करना है। और इसको ब्लेंड करके अगर सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, टेस्ट वाइज कितना सॉल्ट डालना है, एज पर 1 or 2 टेबल स्पून बाद में भी ऐड कर सकते हो। ऑयल लेना पड़ेगा,
Depends on the taste of a person. Amazing rice. And here we go with the rice. सिलेंडर डाल दिया हमने जो मेन चीज है चॉप सिलेंडर आ गया है अपना सिलेंडर राइस दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है अभी टेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा स्पाइसी बन गया है लेकिन आप अपने हिसाब से मसाला डाल सकते हो ब्रिजल ने सॉस सजेस्ट किया तो उसके बाद थोड़ा बेटर लग रहा है अभी क्योंकि उसका टेस्ट डाइल्यूट हो जाता है सॉस के साथ तो कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी था तो अभी ठीक लग रहा है आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो कि सॉस ले सकते हो साथ में थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए टेस्ट अगर आपका भी ज़्यादा स्पाइसी हो गया तो गाइस फाइनली इट इज़ फिनिश्ड आप भी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकॉन थैंक यू